नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं 10G न्यूज। इस वीडियो को देखने के बाद थोड़े देर के लिए आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। जी हां, हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ये वीडियो में जो महिला दिख रही हैं पर्स लेकर टहलती हुई, मारपीट करते हुई, गाली गलौज करती हुई, वो बीजेपी की विधायक नरकटियागंज विधानसभा की हैं और उनकी दबंगई इतनी है कि जी नहीं भरा तो झाड़ी उठाकर उस लड़की को पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज तक भद्दी भद्दी दे डाली जो हम आपको सुना नहीं सकते क्योंकि ये माननीय कहलाती हैं और सदन में चुनकर जाती हैं और जनता की बातों को रखती हैं। लेकिन इनकी दबंगई इतनी है कि गाड़ी में घुसकर उस लड़की को पीट डाला और पीटा गया और पूरी तरीके से यहाँ तक उस लड़की का हाथ भी तोड़ डाला गया। भद्दी भद्दी गालियाँ उनके जो अंगरक्षक है बार बार उन्हें रोक रहे हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। गाली गलौज से लेकर धमकी तक दे डाल रही हैं, कह रही हैं तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस विधायिका को देखकर सोचने को मजबूर हो जाएंगे आप भी कि आखिर ये विधायक ऐसा क्यों कर रही हैं। इनके पटीदार हैं और जमीनी विवाद चल रहा है काफ़ी पुराना, जो अपनी भतीजी को ही पीट डाली विधायक और पूरी तरीके से गाली गलौज सब कुछ किया और अंगरक्षक जो हैं वो बार बार समझा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छोड़कर जाते हैं और देखिए पूरी वीडियो में क्या कुछ नज़ारा है और किस तरीके से विधायक का रवैया है।
तो आपने देखा कि इस वीडियो में विधायक की दबंगई इतनी है और जो लड़की की पिटाई हो रही है, जो लड़की की माँ स्कॉर्पियो में बैठी हुई पूरी तरीके से गुहार लगा रही है और वो बच्ची भी बार बार हेल्प मी की गुहार लगा रही है। आखिर वो हेल्प किससे मांग रही है जब विधायक खुद मौजूद हैं और विधायक ही खुद दबंगई कर रहे हैं, तो थाना क्यों पहुंचे और अंगरक्षक बार बार समझा रहे हैं, लेकिन अंगरक्षक के सामने सब कुछ होता रहा, अंगरक्षक देखता रहा, बार बार रोकता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये लड़की विधायक की भतीजी है और ये मामला पटीदार का है और पटीदार में जमीनी विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से। वो जमीन पर पहुंची थी अपनी जमीन की हिस्सेदारी के लिए। आम का सीजन है, लीची का सीजन है और ये आम और लीची के बीच जो लड़ाई हुई है वो साफ तौर से झलक भी रहा है। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहें दस जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें दस जी न्यूज़।